विकासखंड मशोबरा की थड़ी व बलोग पंचायतों में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 115 विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम विकास योजना के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम विकास योजना के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि इस योजना के तहत थड़ी पंचायत में प्रथम चरण में 45 विकास कार्य किए जा चुके हैं, जबकि बलोग पंचायत के तीसरे चरण में 5 कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पंचायतों में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, जिला योजना अधिकारी, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, हिम ऊर्जा, वन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, उद्योग, शिक्षा, डाक एवं तार, कृषि और बागवानी विभागों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम बनाने के लिए संबंध विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शिमला जिले में मशोबरा ब्लॉक में 2 गांव चुने गए थे, एक फेज़ 1 में और एक फेज़ 3 में, जिसके तहत विभिन्न कार्य यहां पे जिनकी फाइनेंसिंग की गई है, और ये कार्य जो है ये विभिन्न एग्जीक्यूटिंग एजेंसी द्वारा कराए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास हो सकता है, जैसे कि कोई आंगनवाड़ी केंद्र है जो DPICDS के कराएंगे जिसकी कंस्ट्रक्शन, तो ये वाले जो कार्य हैं ये इसकी मॉनिटरिंग के लिए आज बैठक बुलाई गई है। सभी विभागों से फॉरेस्ट, रेवेन्यू, ग्रामीण विकास, WCD, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं जिनको स्कीम के तहत पैसे दिए गए हैं, उनकी स्कीम्स की, उनके वर्क्स की समीक्षा के लिए आज ये बैठक। इस अवसर पर ग्राम पंचायत थड़ी की प्रधान आशा कश्यप, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी संजय भगवती, जिला योजना अधिकारी डॉक्टर सुरेश, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, कृषि उपनिदेशक अश्वनी दत्ता, जिला कल्याण अधिकारी हकम सिंह और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।